इज डिपेंडेंट सोर्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईपीयू के अकॉर्डिंग. ओके, एंड बहुत ही बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार तुम कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर जो देखा गया है वो एंड टर्म में नहीं आते, वो ज़्यादातर आईपीयू में मिड टर्म में आते हैं. ठीक है, तो ये मत सोचना एंड टर्म के पेपर देख के कि हमारे ये पेपर में आता ही नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है. मिड टर्म में जनरली देखा गया, एंड टर्म में नहीं देखा गया, बट सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं ये. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिपेंडेंट सोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. जैसे सोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो क्या होता है वोल्टेज सोर्स होता है, या फिर क्या होता है करंट सोर्स होता है. राइट, तो अगर हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सोर्स, मतलब अगर मान लो इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है. राइट, तो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. और तुम्हें ये भी पता है कि वोल्टेज सोर्स में हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से. राइट, अब नेक्स्ट अगर ये करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एरो से. और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, डिपेंडेंट करंट सोर्स. ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 IX या 3 VX, कुछ भी लगा लो. अभी तुम इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, अब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. ठीक है, कौन सी है वो दो कैटेगरी. अब या तो ये किस पे डिपेंड होगा, वोल्टेज पे डिपेंड होगा, या फिर ये किस पे डिपेंड होगा, करंट पे डिपेंड होगा. राइट, ये है कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स. अगर इसकी वैल्यू करंट पे डिपेंड है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैं अभी ये हटा देती हूँ, ये है तुम्हारा प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स. ठीक है, एरो है तो करंट सोर्स. अब इसकी वैल्यू अगर करंट पे डिपेंड कर रही है तो ये क्या बन गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. और अगर इसकी वैल्यू करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है तो ये क्या बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. गॉट इट, एक बार और क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से सुनना. अब करंट सोर्स है ये भी दो चीज़ों पे डिपेंड है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि तुम हो स्टूडेंट हो, तुम दो बंदों पे डिपेंड हो. राइट, मम्मी पे और किस पे बताओ, अपनी मम्मी पे डिपेंड हो और किस पे डिपेंड हो, पापा पे. टीचर, टीचर पे डिपेंड नहीं हो, टीचर के बिना तो तुम्हारा काम चल जाएगा, यूट्यूब है ना आजकल. तो तुम मेनली अपनी मम्मी पे डिपेंड हो और पापा पे डिपेंड हो. राइट, अगर पैसे चाहिए तो मेनली किसके पास जाते हैं बच्चे, पापा के पास. और कुछ खाने के लिए चाहिए तो कि बच्चे किसके पास जाते हैं, मम्मी के पास. तो यही चीज़ है कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो करंट पे डिपेंड करेगा या वोल्टेज पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अगर मान लो ये करंट पे डिपेंड है तो ये क्या बन गया, करंट डिपेंडेंट है ना, करंट डिपेंडेंट. और ये एक्चुअल में है कौन सा सोर्स, एरो है तो कौन सा सोर्स हो गया, करंट सोर्स. क्लियर, अब ये मान लो ये पापा पे डिपेंड है तो 4 VX, तो वोल्ट ये किस पे डिपेंड है, वोल्टेज पे. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट. और ये है कौन सा सोर्स, करंट सोर्स है, एरो है तो करंट सोर्स. तो इसका नाम क्या हो गया, CDCS, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं. ठीक है, अब इसका नाम बताओ क्या हो गया, ये है करंट सोर्स क्योंकि एरो है और बट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे. तो इसका क्या नाम हो गया, VDCS. गॉट इट, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे सपोज तुम्हें अब मैश एनालिसिस आ गया, अगर वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो वो मान लो किस पे डिपेंड कर रहा है, पापा पे. ठीक है, फादर पे. क्लियर, और अगर वो करंट पे डिपेंड कर रहा है तो करंट फीमेल होती है कि करंट आती है कहते हैं ना, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मदर पे. क्लियर, जहाँ भी वो तुम अपने पापा पे डिपेंड कर रही हो तो पापा के लिए हमेशा क्या लगेगा, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के लिए V इज इक्वल टू IR.
और जहाँ पे तुम अपनी मम्मी पे डिपेंड कर रही हो, करंट पे डिपेंड कर रही हो, वहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ वहाँ पे क्या बनेगी, डायरेक्ट इक्वेशन फ्रॉम करंट सोर्स. ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन फ्रॉम करंट सोर्स, गॉट इट, क्लियर. अब एक न्यूमेरिकल करवा देते हो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी चीज़ ये जिस पे भी डिपेंड कर रहा है वो तुम्हारी कहीं ना कहीं और मेंशन होगी. ठीक है, जैसे वी एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो वो वी एक्स कहीं ना कहीं और मेंशन होगा. अगर ये आई एक्स पे डिपेंड करता तो ये आई एक्स कहीं ना कहीं और मेंशन होता. गॉट इट. अब देखो इसमें हमारे पास कितने मैश हैं, दो मैश हैं, राइट, दो मैश हैं. एक वेरिएबल हो गया हमारे पास आई वन और एक वेरिएबल हो गया आई टू, दो मैश हैं. तो बट इक्वेशन हमारी कितनी बनेगी, तीन. क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन एक्स्ट्रा डिपेंडेंट सोर्स की वजह से बनती है, राइट. मान लो कि तुम्हारे घर में ये डिपेंडेंट सोर्स एक तरह से बिन बुलाए मेहमान की तरह, तुम नहीं चाहते ना डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आए, है ना, बट ये बिन बुलाए आ जाता है. तो जब बिन बुलाए मेहमान आता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी. दो चेयर थी, पहले तुम्हें दो कमरे अरेंजमेंट करने पड़ते, बट अब तुम्हें तीन कमरे करने पड़ेंगे. तो बेसिकली एक डिपेंडेंट सोर्स से तुम्हारी एक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स्ट्रा बनेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो मैश हैं तो दो इक्वेशन प्लस एक डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन है तो तीन इक्वेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे ये बताओ ये जो सोर्स है ये कौन सा सोर्स है. मैंने अभी तुम्हें चार सोर्स बताए हैं. ये सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, राइट. तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है. और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है या करंट पे डिपेंड कर रही है. तो इसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, राइट. वी एक्स है ना, वी मतलब वोल्टेज. हाँ, तो ये कौन सा सोर्स बन गया हमारे पास, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. कौन सा क्वेश्चन बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक है, तो अब ये नॉर्मल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा. लाइक अगर मैं फर्स्ट मेश की इक्वेशन बनाऊंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट. तो फर्स्ट इक्वेशन तुम बताओ मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या. इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन माइनस फोर आई वन, ये वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा. माइनस फाइव वी एक्स, क्योंकि अगर वोल्टेज सोर्स होता तो एग्जैक्टली वही वैल्यू लिखते हैं. और इसकी वैल्यू क्या है, वी एक्स, फाइव वी एक्स. देन सेकेंड प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ सेकेंड मेश की इक्वेशन माइनस सिक्स आई टू, ये ध्यान रखना वी एक्स के टर्म्स में नहीं लेना, तुमने जो आई वन और आई टू एज्यूम करा है उसी की ही टर्म्स में लेना. बच्चे कन्फ्यूज होकर वी एक्स कर देते हैं, नहीं करना, हमने आई वन और आई टू के टर्म्स में ही करना है. देन माइनस ट्वेंटी, देन सेकेंड साइन आएगा प्लस फाइव वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. उसके बाद क्या आएगा हमारे पास वी एक्स पे, कि मतलब डिपेंडेंट सोर्स से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, वो देखो कैसे बनेगी. अब तो मुझे ये बताओ कि ये जो है सोर्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या करंट पे डिपेंड कर रहा है, बताओ. वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है मतलब ये पापा पे डिपेंड कर रहा है या मम्मी पे डिपेंड कर रहा है. पापा पे. तो अब तुम्हें अगर अपने पापा चाहिए तो तुम अपने पापा को जाके ढूंढोगे कि पापा कहाँ है, राइट, कि मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे पैसे दो. तो ये अपने पापा को जाकर ढूंढेगा. यहाँ से इक्वेशन नहीं बनेगी, जहाँ पे इसके पापा हैं वहाँ से इक्वेशन बनेगी. कहाँ पे हैं इसके पापा, सिक्स होम के पास बैठे हुए हैं, राइट. तो इक्वेशन कहाँ से बनेगी, यहाँ से, वहाँ से नहीं. 90% स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से बना देते हैं जहाँ पे सोर्स होता है. नहीं, जहाँ पे वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वहाँ पे जाओगे तुम और वहाँ से इक्वेशन बनेगी. गॉट इट. नाउ एज आई टोल्ड यू कि अगर पापा पे डिपेंड कर रहे हैं तो क्या यूज़ करना है हमें, ओम्स लॉ. तो यहाँ पे हमारे पास ये है तो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर, राइट. अब इस सिर्फ ग्रीन पोर्शन को देख के बताओ आई कितना फ्लोर है इसमें,
I1 फ्लोर है या I2 फ्लोर है? I2 रेजिस्टेंस कितना है? 6, राइट? और वोल्टेज कितनी है? Vx, करेक्ट? तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? Vx इज इक्वल टू 6 इंटू I2। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, जो बिन बुलाए मेहमान की इक्वेशन थी, जो हमें जबरदस्ती बनानी पड़ी। ठीक है, लिखो एक बार, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। इसमें देखो, फर्स्ट मेश की इक्वेशन -4i1। अब ये कौन सा सोर्स है तुम्हारे पास? ये है तो वोल्टेज सोर्स, बट तो ये कौन सा सोर्स बन गया तुम्हारा? दैट इज सी डी वी एस, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कौन सा सोर्स बन गया? सी डी वी एस। ठीक है, तो है तो वोल्टेज सोर्स, तो एग्जैक्टली जो भी वैल्यू है इसकी वो ही लेंगे। माइनस सेकेंड साइन, क्या वैल्यू है वोल्टेज सोर्स की? 2ix। नेक्स्ट वन, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट मैश इक्वेशन। सेकेंड मैश इक्वेशन -6i2 -7i2 -i3। एज आई टोल्ड यू कि जो हमने I1 I2 I3 करंट लिया है वो लेना है, इनके वाला करंट नहीं लेना या इनके वाला वोल्टेज नहीं लेना, जैसे पहले मैंने नहीं लिया था। तो बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। गॉट इट? देन उसके बाद माइनस, फिर प्लस 2ix इज इक्वल टू 0। यही आएगा यहाँ से, यहाँ का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यहाँ सेकेंड साइन इज प्लस। थर्ड मैश की इक्वेशन -8i3 -9i3 -10 -7i3 -i2 इज इक्वल टू 0, राइट? नहीं, जो इन्होंने करंट दिया हुआ है ix हमें वो नहीं लेना है। देखो, मैं तुम्हें पहले से ही बोला था ना कि बच्चे यही गलती करते हैं और तुम भी यही गलती कर रहे हो। जो हमारा करंट है, इनका दिया हुआ करंट नहीं लेना कभी भी मैश में, या इनका दिया हुआ वोल्टेज नहीं लेना। कहते हैं ना, बाहर से किसी का दिया हुआ नहीं खाना, तो इन्होंने जो दिया है सामान उनको नहीं लेना। जो हमारा है, जो हमने अपना एज्यूम करा है I1 I2 I3, हमें वो लेना है। गॉट इट? ठीक है, मैं बता रही हूँ, बता रही हूँ। अब ये तो बन गई तुम्हारी तीन मैश की इक्वेशन, है ना? अब एक इक्वेशन बिन बुलाए मेहमान से बनेगी, सोर्स से। अब ये देखो, ये किस पे डिपेंड है? मम्मी पे, पापा पे? हाँ, मम्मी पे। इसकी मम्मी अपने, अब तुम्हें अपनी मम्मी चाहिए, तो मम्मी के पास पहुँच जाओगी, राइट? तो कहाँ पे है? यहाँ पे, यही है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि करंट सोर्स से डायरेक्ट इक्वेशन बनती है, जैसे हम करंट सोर्स से बनाते थे। अब ix तुम्हारा मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है? मिडल में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट फ्लो होता है? डबल। i2 की डायरेक्शन और ix की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? ix कैसे जा रहा है? बी टू सी। और I2 भी कैसे जा रहा है? तो कितना हो जाएगा? प्लस I2। और I3 की डायरेक्शन और IX की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? -I3 इज इक्वल टू IX। तो ये वाली इक्वेशन बन गई तुम्हारी डिपेंडेंट सोर्स। गॉट इट? ये वाली इक्वेशन बन गई तुम्हारी बिन बुलाए मेहमान डिपेंडेंट सोर्स से। अब बच्चे ये वाली इक्वेशन तो बना लेते हैं, यहाँ अटक जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन करवाए हैं, वन इज VDVS एंड वन इज CDVS। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट सोर्स पे। चार टाइप्स के सोर्स हैं, चारों टाइप्स के सोर्स से मैं इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन करवा देती हूँ। 4 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट, 2 Vx। बस तुमने अगर ये क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल लिए ना, तो तुम कोई भी डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन में नहीं अटकोगी। मैंने इसको इसी तरह से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है? कि मैं कोई बुक वुक नहीं लेती, मैं तो अपने आप रैंडमली क्वेश्चंस बना लेती हूँ। 20 वोल्ट और ये लगा लो तुम 10 ओम। चलो बनाऊँ।
देखो इसमें मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ. फर्स्ट मैश सुपर मैश लेंगे क्योंकि करंट सोर्स आ रहा है. -4i1 -6i2 -10i2 -i3 +10 0 राइट. अभी कौन सा सोर्स है तो करंट सोर्स क्योंकि एरो है और डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे. तो ये कौन सा सोर्स बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स राइट. तो नाउ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड थर्ड मैश से -9i3 -20 -10 इनका वी एक्स नहीं लेना, अपना लेना है i3 -i2 0 राइट. दिस इज फर्स्ट मैश इक्वेशन, दिस इज सेकेंड मैश इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन बताना, थर्ड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स है क्योंकि करंट सोर्स है तो चाहे वो डिपेंडेंट हो. तो i1 अपोजिट डायरेक्शन में है तो -i1 +i2 2vx राइट. ये तो हो गई तुम्हारी मैश की नॉर्मल इक्वेशन जैसे तुम बनाते हो गई ना. अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मम्मी पे पापा पे, वोल्टेज पे, वोल्टेज पे मतलब पापा पे राइट. तो इसके पापा को ढूंढो कहाँ पे है, इसके पापा यहाँ पे है. तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास माइनस vx ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल टू ir, i कितना है और r 10 है. अब ये देखो तुम्हें साइन देखने पड़ेंगे, इन्होंने साइन दे दिया ना पॉजिटिव नेगेटिव राइट. तो i2 की डायरेक्शन इस साइन से मैच कर रही है तो i2 पॉजिटिव और i3 क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो ये बन गई तुम्हारी तीन मैश की चार इक्वेशन. सबसे पहले तो ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है और करंट भी डिपेंड है. तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, फर्स्ट मैश की इक्वेशन -4i1 -6i2 -10i2 -i3 -9 +7 0 राइट. सेकेंड मैश की इक्वेशन मतलब थर्ड मैश से बनेगी -8i3 -2 +9 -10i3 -i2 0. थर्ड ये तुम्हारी पॉजिटिव नेगेटिव, देखो करंट के अकॉर्डिंग चलोगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव. ix के अकॉर्डिंग तुम्हें साइन मार्क नहीं करने हैं, अपनी करंट के अकॉर्डिंग चलना है. ix का काम लास्ट में आएगा बस. ओके -i1 +i2 4ix राइट. अब ये किस पे डिपेंड है, करंट पे मतलब मम्मी पे, इसकी मम्मी कहाँ है वहाँ ढूंढो यहाँ पे. तो ये कितना हो जाएगा, करंट सोर्स से जो डायरेक्ट इक्वेशन में बनेगी ix इज इक्वल टू i2 -i3. चार इक्वेशन चार वेरिएबल, सॉल्व अब तुम खुद कर लेना. ओके नाउ एज यू कैन सी कि हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन सारा हो गया. अब हमारा सिर्फ क्या रह गया, ग्रीन वाला पोर्शन रह गया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड थ्योरम. ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस आर बिट डिफिकल्ट, पेपर में आते हैं मिड टर्म में, सो रिवाइज करना. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, एंड इफ़ यू वॉन्ट नोट्स ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. थैंक यू.